द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर इज देखिए एक चीज पहले तो अभी एक चीज समझे मैं अभी एक्सप्लेन भी करूंगा थोड़ा सा कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो पीरियोडिक टेबल में एक ये जनरल ट्रेंड रहता है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता है एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब आप आते हो जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो इनक्रीज होता है ठीक है तो देखिए मेटेलिक कैरेक्टर को इस तरह से समझें के जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे कितने इजिली डीलोकलाइज हो सकते हैं अराउंड इट्स आयंस लाइक क्योंकि मेटल्स की बात हो रही है अराउंड इट्स पॉजिटिव जो आपके न्यूक्लियस है या आप, है ना और इसके अराउंड जित जो एटम्स हैं आपके आयंस हैं बेसिकली कैटायंस इसके अराउंड कितनी इजिली निकल के डीलोकलाइज हो सकते हैं ठीक है और पार्टिसिपेट कर सकते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग में फॉर एग्जाम्पल ये आपको कोई केटाइन है एन प्लस ले लो के प्लस ले लो कुछ भी इसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो इसके अराउंड डीलोकलाइज है सिमिलरली इसके अराउंड भी है सिमिलरली इसके अराउंड भी इसके अराउंड भी इसके अराउंड भी इसके अराउंड मैं बात जब करता हूँ डीलोकलाइजेशन ये तो इलेक्ट्रॉन हो गया लेकिन एक्चुअल में होता क्या है इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो रहा है डीलोकलाइज इसके पास में है ना एक बात ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये क्या हो रहा है डीलोकलाइज हो रहा है तो जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये बेसिकली इट बिहेव एज अ फेविकोल समझ रहे तो मतलब फंडा क्या हुआ इसके पीछे कि जैसे ही ये कितनी आसानी से ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिलोकलाइज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो जाएगा और बिहेव एज अ गोंद ये गोंद क्या है बेसिकली मेटलिक बोंड है तो जो कैटायंस कितनी ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे वो उतनी ही जल्दी मेटेलिक बोन्ड बनाएंगे और दैट इज वाई ये जो इनका मेटेलिक कैरेक्टर है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता रहता है क्यों क्योंकि जैसे डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा तो आउटरमोस्ट शेल का जो एक इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल वो इज़ीली रिमूव हो सकता है दैट इज वाई डाउन द ग्रुप तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है लेकिन लेफ्ट टू राइट में जब जाते हो नंबर ऑफ शेल तो सेम है डाउन द ग्रुप में क्या होता है शेल ऐड हो रहा था तो इसलिए आसानी हो जाती थी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में लेकिन लेफ्ट टू राइट में नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम तो क्या होता है लेफ्ट टू राइट में जो न्यूक्लियस चार्ज है वो बढ़ता जा रहा है न्यूक्लियस अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है इसकी वजह से जो होल्ड है आउटर मोश शेल पे न्यूक्लियस चार्ज का वो इंक्रीज हो होता रहता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड दैट इज वाई लेफ्ट टू राइट में इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान नहीं रहता uh, जैसे लेफ्ट टू राइट में आते समझ में है? इतना आ गया समझ में तो अगर अब इन तीन मेटल्स को देखोगे इन तीन एलिमेंट्स को देखोगे पोटेशियम बेरिलियम एंड कैल्शियम देखिए ऑर्डर क्या है कि जो बेसिकली क्या है लिथियम है बेरिलियम फिर यहां पे सोडियम आता है फिर मैग्नीशियम आता है यहां पे ठीक है फिर यहां कैल्शियम है ये पोटेशियम है ठीक है अब देखिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो मैंने बताया डिक्रीज और टॉप टू बॉटम इंक्रीज तो फिलहाल ये क्या है यहां पे तो क्या रहा टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है पोटेशियम है इन सब में पोटेशियम मैक्सिमम है उसके बाद डिक्रीज हो रहा है ठीक है अब देखिए ये हो रहा है इंक्रीज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है तो पोटेशियम इज ग्रेटर देन कैल्शियम ऊपर से नीचे इंक्रीज हो रहा है तो बेरिलियम क्या होगा लेस देन कैल्शियम स्ट्रेट फॉरवर्ड था में ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर हो गया वो के सी ए बी ई ठीक है यानी ऑप्शन नंबर थ्री विल बी योर फाइनल आंसर